हेलो क्रिएटर, आज अपन बात करेंगे एक ऐसे शेयर की जो हमेशा से बहुत सारे लोगों का फेवरेट रहा है। इसने बहुत पैसा भी कमा के दिया है लोगों को, किसी किसी को इसने ट्रिप भी किया है, इसका भयंकर ट्रिप किया है कि हाई पे बाय करवाया है और उनसे अब ये शेयर ना वो वाली बात ना निकलने की बन रहा ना खाने की बन रहा है। तो इसकी अपन पूरी आज कुंडली खा लेंगे कि शेयर में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, क्या अपसाइड जा सकता है, क्या डाउन साइड जा सकता है। उससे पहले मैं आपको एक न्यूज़ बताता हूँ, इसमें इसकी न्यूज आई उसी हिसाब से हम इसको एनालाइज करते हैं। इसका सितंबर क्वार्टर का जो प्रॉफिट है ना ट्रेडर्स, उसमें नेट प्रॉफिट 695 करोड़ रुपीज का हुआ है, ठीक है। और नेट लॉस जो अब इससे इसकी पॉजिटिव न्यूज क्यों बता रहे हैं, क्योंकि जो नए साल का सितंबर क्वार्टर था उसमें टोटल लॉस उसका हुआ था 231 करोड़ का, और अभी वर्तमान में प्रेजेंट में इसको 700 करोड़ रुपीज का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है ना। और यही अगर हम बात करें क्वार्टर टू क्वार्टर की बात करें तो ये 8,445 करोड़ रुपए का इसका रेवेन्यू या टोटल इनकम हुई है विथ रेस्पेक्ट टू लास्ट क्वार्टर में 5,571 करोड़, ठीक है। अब इसका कारण मैं आपको क्या बताता हूँ ट्रेडर्स कि ये इंक्रीमेंट क्यों हुआ है। इसका हुआ है बाय इम्प्रूव्ड टैरिफ्स अंडर लॉन्ग टर्म पावर परचेज एग्रीमेंट्स, ठीक है, ऑन अकाउंट ऑफ हायर इम्पोर्ट कोल प्राइसेस ऑलवेज इम्प्रूव मर्चेंट शॉर्ट टर्म टैरिफ टू हायर डिमांड। होता क्या है ट्रेडर्स की एक फेज आता है पावर कंपनीज का, एक फेज आता है कि उसमें उनके पास भले उनकी कैपेसिटी, फॉर एग्जाम्पल अडानी पावर की कैपेसिटी अगर 1,00,000 मेगावाट है, ठीक है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, या 20,000 मेगावाट है, तो ये सारी कैपेसिटी को यूटिलाइज नहीं करते क्योंकि मार्केट में डिमांड ही नहीं होती। बरसात का टाइम होता है जो एग्रीकल्चर सेक्टर होता है, हमें उसमें ऑलमोस्ट लाइट की इतनी जरूरत नहीं पड़ती है, जो हमारे जो एग्रीकल्चर रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज है उनमें इतनी डिमांड नहीं होती, तो कहीं ना कहीं के जो टोटल यूटिलाइजिंग कैपेसिटी है उसको वो यूटिलाइज नहीं होती, उनका ये उत्पादन क्षमता इनकी ज्यादा रहती है पर उत्पादन कर नहीं पाते, इसीलिए इनका जो ओवरऑल जो सेल्स है वो कम होता है और उनके वो हमें इसके जो रेवेन्यू रिलीज करते हैं उसमें भी हमें रिफ्लेक्शन आता है। अब इस शेयर की तरफ अपन बात करें और भी अपन देखें, ठीक है, देखो इसकी स्ट्रेंथ की बात करते हैं अपन, तो कंसिस्टेंट हाई रिटर्न दे रहा है निफ्टी का, आपको पता है इसमें तो एक तरह से पेनी स्टॉक था, छोटा शेयर था, इसमें दबा के रिटर्न दिया है। स्टॉक विद इंप्रूविंग कैश फ्लो विद गुड ड्यूरेबिलिटी, कैश फ्लो इसमें कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है, असेट्स को प्रॉपरली मैनेज कर रहे हैं, इसके क्वार्टरली नेट प्रॉफिट में भी हमें पता है इंक्रीज हुआ है, एनुअल नेट प्रॉफिट कंटिन्यूअसली लास्ट ईयर से इंक्रीज हो रहा है, प्रोमोटर की जो प्लेजिंग है कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रही है, FI और PI जो इंस्टीट्यूशन है कंटिन्यूअसली उनकी शेयर होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं। इसके वीकनेस की अपन बात करेंगे तो ये सबसे बड़ी वीकनेस ये क्या है, हाई इंटरेस्ट पेमेंट्स, पेमेंट्स कहीं ना कहीं इनको ज़्यादा इंटरेस्ट में जो भी पेमेंट मिल गया उन्हें हाई इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, नेगेटिव ब्रेकडाउन आया है, नेट प्रॉफिट में भी कंटिन्यूअसली जो नेट प्रॉफिट होता है उसमें फॉल हो रहा है, भले हमारा जो ओवरऑल रेवेन्यू का बढ़ रहा है सेल्स बढ़ रही है, बट नेट प्रॉफिट है वही मायने रखता है। इसमें अगर हम ईयर टू ईयर की बात करें तो कुछ फॉलिंग मशीन देखने की मिल रही है। अपॉर्चुनिटी की अपन बात करें तो हाई मोमेंटम स्कोर है इसका, मोमेंटम बहुत ज़्यादा होता है, हाई वोलेटाइल शेयर है, हमें कम टाइम में लंबा प्रॉफिट दे सकता है, रिकवरी भी इसकी फास्ट होती है हमने देखा है, और इसमें ट्रेड्स क्या है जीरो है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जो स्टॉक है हमारा इसको एक फेवरेबल स्टॉक बनाता है, तो उसी हिसाब से मैंने इसका प्रॉपर एनालाइज किया है कि स्टॉक में क्या क्या हो सकता है, तो मैं आपको बताता हूँ स्टॉक्स के बारे में। देखो ट्रेडर्स, इसका ये हमारा जो है ये 15 मार्च को इसमें ब्रेकआउट होता है, और ब्रेकआउट होता है और इसमें लगभग 80% रिटर्न देता है, यहाँ देख रहे हो अभी 160 रुपीज का शेयर और चला जाता है 3-1, लगभग ऑलमोस्ट डबल हो जाता है, 80% का कम से कम रिटर्न देता है जिस भी शेयर ने इसको जिस भी शेयर होल्ड ने लिया होगा यहाँ पर आसपास एग्जिट कर दिया होगा, ठीक है। अभी ऐसा क्यों होता है मैं इसके पीछे आपको रीजन बता रहा हूँ कि यहाँ पे ही ब्रेकआउट क्यों आता है, इसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ क्वार्टरली परफॉर्मेंस। देखिए दिसंबर 2021 में 1771 करोड़ रुपीज का इसका प्रॉफिट होता है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है, ये बढ़ जाता है एकदम से लगभग 3 गुना हो जाता है, 5,232 करोड़ रुपये हो जाता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसका जो रिफ्लेक्शन है, आप देखो इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स बढ़ जाता है, नेट प्रॉफिट जो हमारा अभी बढ़ जाता है, मतलब इस टाइम पे इसके जो कंपनी के जो रिजल्ट है वो शानदार आए थे, ठीक है। उसी हिसाब से इसमें इसका रिफ्लेक्शन हमें कहाँ देखने को मिला, अडानी पावर में। देखिए आप इतना शानदार रिटर्न दिया है कंपनी ने 163 से लेके 320, ठीक है, और आगे ले। फिर यहाँ पर इसमें एक रिजेक्शन आता है 334 से लेके 246 का, फिर एक सपोर्ट लेता है हमारा 200 मूविंग एवरेज का
और 100 मूविंग एवरेज का सपोर्ट मिलता है, वापस अपसाइड मिल सकता है। यहाँ पर हमें ह्यूज लगभग 40% के बाद भी इतना मूवमेंट करने के बाद भी हमने 40% का रिटर्न दिया। ये स्टॉक हमारा जाता है 270 पे और हाई लगाता है 440 रुपीज का। ये कब की बात बता रहा हूँ मैं, जुलाई, और उसके बाद में इसमें 428 का हाई लगाया है और अभी वापस ये 21 पे ट्रेड कर रहा है 370। तो अब इसकी फ्यूचर पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, क्या इस शेयर को हम बाई कर सकते हैं? जिसने होल्ड कर रखा है, जिसने बाई किया था मान लीजिए 400 रुपीज के आसपास, क्या उसको एक होप दिख रही कि मार्केट वापस ऊपर जाएगा? क्या इसमें ब्रेकआउट होगा कि नहीं होगा, ये मैं बताऊंगा आपको पहले इसका एनालाइज करते हैं। अब इसका देखिए, अब आता है हमारे सेप्टेम्बर का जो इसने रिलीज किया है, ठीक है, क्वार्टरली रिजल्ट आया है। टोटल ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट इसका 948 करोड़ रुपीज हो गया। अब देखिए पिछले सेप्टेम्बर की बात हम करते हैं तो 1163 लास्ट में कितना ऑपरेटिंग प्रॉफिट था इसी साल में 1160 करोड़ रुपीज था, उससे कम हुआ है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है। अब मैं आपसे बात करता हूँ, ये तो आपको एक समझ में आ गया कि इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम हुआ है। प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, जो इसको बोल रहे हैं कि शेयर में डाउन साइड आ सकता है, किस हिसाब से बोल रहे हैं, इस हिसाब से मैंने आपको पहले बताया कि भाई साहब इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो कम हो गया है और पिक्चर अभी बाकी है। सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी इसमें क्या लगती है ट्रेडर्स, सेप्टेम्बर में इसका जो लॉस था, देखिए तो जो प्रॉफिट जो था ऑपरेटिंग प्रॉफिट सितंबर 2021 में कितना था, 210 करोड़ माइनस में था, अभी ये 699 लगभग 700 करोड़ का जंप आया है। सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी इसमें क्यों दिख रही है हमें बाइंग की, इसी का मैं आपको रीजन बता रहा हूँ कि ये 210 करोड़ रुपीज का इसका लास्ट जो ट्रेडिंग था, मतलब सितंबर मंथ 2021 में था 210 करोड़ रुपीज का, 700 करोड़, मतलब कितना बड़ा जंप आया, ठीक है। और ये नेट प्रॉफिट का भी अगर अपन बात करें तो नेट प्रॉफिट उस टाइम पे -231 करोड़ था, नेट प्रॉफिट 700 करोड़, मतलब कहीं ना कहीं इस स्टॉक में, इस कंपनी में इसकी जो सेल्स है वो बढ़ रही है, इसका प्रॉफिट हमें बढ़ता हुआ दिख रहा है। और इसका जो रिफ्लेक्शन है ट्रेडर्स, 101% में आपको दावे के साथ दे सकता हूँ कि ये इसका रिफ्लेक्शन आपको चार्ट में देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर हम ईयर ऑन ईयर की बात करें इसके, तो 2011 से लेके 2022 की बात करें तो कंटिन्यूसली ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहा है, ठीक है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, नेट प्रॉफिट जो है कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि कंपनी में ओवरऑल बहुत बड़ी वीकनेस दिख रही है, ऐसा हमें कहीं नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो इसी के हिसाब से मैं आपके सामने एनालाइज कर रहा हूँ इस चार्ट का कि मेरा फाइनल टारगेट क्या हो सकता है इस शेयर में। तो ये जो शेयर है हमारा 426 से रिवर्सल लेके 313 लगभग 100 पॉइंट इसमें गिरावट आ चुकी है, ठीक है। वापस इसने ये जो हमारा 100 मूविंग एवरेज इसका सपोर्ट लिया है और ये 377 का इसमें हाई लगाया है, ठीक है। और वापस कल एक कैंडल बनी डे चार्ट की, वो एक बियरिश मारा हम कह सकते हैं, ये कैंडल यहाँ पर इसमें बनती हुई दिख रही है, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, जो भी डिलीवरी वाले जो प्लेयर्स हैं वो क्या कर सकते हैं, तो मैंने उसके लिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ। मैंने इसके जो टारगेट्स निकाले हैं वो निकाले हैं फिबोनाची ड्रॉ कर, ठीक है। अपन यहाँ पर फिबोनाची ड्रॉ करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको ये फिबोनाची सीखना है तो मुझे आप प्लीज कमेंट करें, मैं आपको बता दूंगा कैसे ये वर्क करता है। मैंने क्या किया, इसका जो हाई है और इसका जो लो है यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर दिया, ये मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है। अब अपन देख रहे हैं इसका जो एक सपोर्ट है ट्रेडर्स, एक जो सपोर्ट हमें दिख रहा है वो दिख रहा है यहाँ पर 351 का, और कहीं ना कहीं इसके ऊपर इसमें क्लोजिंग दी है, ठीक है। यहाँ पर क्लोजिंग इसने दी है, ठीक है। ये जो इसमें फॉल आया है, ठीक है, इसमें एक और हमें चार्ट पैटर्न की अगर हम बात करें तो एक डबल टॉप जैसा बन रहा है, डबल टॉप से इसने रिजेक्शन दिया है यहाँ पर। अगर ये मान लीजिए वापस कल ये इसका प्रॉफिट जैसे इसका शानदार आया है, कल यहाँ पे एक कैंडल बन जाती है अपसाइड, ठीक है, अपसाइड में एक कैंडल बन जाती है, तो कहीं ना कहीं ये जो मोमेंटम है शेयर का, जो बुलिश मोमेंटम, वो बन जाएगा वापस। और इसके नेक्स्ट टारगेट क्या आएंगे मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि मुझे यहां पर संभावना दिख रही है, ठीक। अब अपन बात करते हैं इसका जो मेरा पहला टारगेट दिख रहा है ट्रेडर्स, वो दिख रहा है मुझे 382 पर सस्टेन करता है, यहां पर बुलिश कैंडल यहां पर बनती है तो फर्स्ट टारगेट हमारा आएगा ये वाला,
409। फर्स्ट टारगेट हमारा यहाँ पे दिख रहा है 409 का, सेकंड टारगेट हमें दिख रहा है 432 का, थर्ड टारगेट सबसे बड़ा दिख रहा है ट्रेडर्स को दिख रहा है 501 का। ठीक है, अगर हमारा 501 रुपीज का टारगेट आता है 400 लगभग 385 से लेके 500 तक, तो हम ऑलमोस्ट 125% प्रॉफिट मतलब 125 पॉइंट गेन कर सकते हैं और हमें रिटर्न मिल सकता है 30 से 40%। तो अगर आपको ये शेयर बीटीएसटी के लिए बाय करना है, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो और ये जो मैंने बताया कि अगर कैंडल यहाँ पे फॉर्मेशन होती है तो आप मेरे हिसाब से इसमें बाय कर सकते हैं। बाकी रिस्क आपका रहेगा, पैसा आपका रहेगा, मेरा काम बस एक आपको नॉलेज देना है। ये वीडियो मेरा एजुकेशन पर्पज से, पर मैं पर्सनली देखो तो मैं शेयर को बाय करूंगा। तो जब मैं इसको एनालाइज करा था तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको ये इतना शानदार जो स्टॉक फॉर्मेशन बन रहा है इसमें टेक्निकल शानदार दिख रही है हमें, क्यों ना मैं आपको भी बता दू, मैं आपको इसका RSI बताऊं। यहां से इसने रिजेक्शन लिया है, ठीक है, तो एक पॉसिबिलिटी ये बन रही है इसकी, ये जो शेयर है यहां से कुछ डाउन आएगा RSI में और फिर अपसाइड जाएगा। सेम इसमें ये दिख रहा है, मैंने आपको बताया है, तब मैं अगर आपको समझ में आ गया ना तो वापस बता देता हूँ। RSI 60 के नीचे है, जैसे ही यहाँ पर इसके ऊपर ही सस्टेन करता RSI, हमारा जो शेयर है ये पुलिस कंडीशन में आ जाएगा। मैं आपको बताता हूँ सारा, ठीक है। तो ये जो RSI है, MACD है, हमें पॉजिटिव डाइवर्जेंस की ओर दिखा रही है कि कहीं ना कहीं इसमें मूवमेंट आ सकता है। तो ये मैंने आपको टारगेट बता दिया है, अगर आप BTST करना चाहो 30-40% रिटर्न कम से कम आपको मिलने वाला है। स्टॉक में शानदार स्टॉक है, क्विक रिटर्न्स मिलेंगे आपको, मोमेंटम बहुत अच्छा है। और अगर हम डाउनसाइड की बात करें, अगर मान लीजिए आपने ये पोजीशन होल्ड कर रखी है तो सबसे बड़ा इसका सपोर्ट दिख रहा है 385 का और नेक्स्ट सपोर्ट हमें दिख रहा है 284 का, हमने इसको लिया मैंने सपोर्ट मान के, ये हमें बड़े सपोर्ट दिख रहे हैं। तो अगर यहाँ पे रिजेक्शन आता है इसमें तो ये सबसे बड़ा सपोर्ट आप याद रखिए 334 तक आपको अपनी मेरे हिसाब से पोजीशन एग्जिट नहीं करना चाहिए। अगर कुछ निफ्टी का ओवरऑल मोमेंटम अगर नेगेटिव जाता है, इसकी संभावना है, इसकी पॉसिबिलिटी अभी बहुत कम है, अगर जाता भी तो 334 तक आप डरना मत, इस शेयर को आप होल्ड कर सकते हैं। वापस इसमें अपस्विंग आएगा और ये टारगेट याद रखना 384 के ऊपर जैसे ही क्लोज हुआ है 385 दूसरी कैंडल बुलिश बनी तो ये जो बड़ा टारगेट है हमारा 501 का इंतजार कर रहा। ये सारी चीजें मैंने आज आपके सामने अडानी पोर्ट के बारे में बताया है। अडानी पोर्ट शेयर बहुत अच्छा है, क्यों अच्छा है मैं मानता हूँ इसको, क्योंकि ये जो मोमेंटम देता है बहुत फास्ट देता है, जल्दी रिजल्ट मिलने वाले होते हैं। और हमें बस सबसे बड़ी चीज ये कि हमें इसको रिस्क मैनेज करना आना चाहिए कि हमारी रिस्क कितनी है, कहाँ का हमें इसका स्टॉप लॉस रखना, कहाँ का टारगेट करना। ठीक है, इतनी सारी मेहनत करके ट्रेडर्स मैंने आपको ये शेयर के बारे में बताया है। प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, इस वीडियो को लाइक करना और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे शेयर भी जरूर करना। ऐसे ही वीडियोस के ऐसे चार्ट जो मैं कंटिन्यूसली मेरे टेलीग्राम चैनल में अपलोड करता रहता हूँ, तो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो, चैनल पसंद आया तो प्लीज टेलीग्राम चैनल पर जाके आप फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को क्लोज करूँगा।